अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी बॉलीवुड। जैसा कि मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि सना खान और मुफ्ती अनस गए हैं 3 रोज़ा अल्लाह के राह में तबलीग करने, जिसकी उन्होंने कुछ तस्वीर और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। वीडियो भी मैं चल के आगे दिखाने वाला। वीडियो पे जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त तमाम दोस्तों तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको नमाज के फायदों के बारे में बताऊंगी। और आई एम श्योर हम सबको पता होगा, लेकिन एक रिविजन करना हमेशा बेहतर होता है। तो लेकिन मैं अब जो बताने वाली हूँ वो ये है कि जब आप ये नमाजें छोड़ते हो या वक्त पे नहीं पढ़ते हो तो इससे क्या नुकसान होते हैं, और यही चीज़ अगर आप कर ले तो इससे यही चीज़ फायदे में बदल जाती है। तो पहला, फज्र की नमाज जो इंसान जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह उसके चेहरे से सुला कर नूर खत्म कर देता है। दूसरा, जो इंसान जोहर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह उसके रिस्क से बरकत खत्म कर देता है। जो इंसान असर की नमाज जानबूझ छोड़ता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म को ताकत को सलब कर लेते हैं, वो हमेशा बीमार रहता है, बीमारियों में घिरा रहता है। अगर कोई मगरिब की नमाज जानबूझ के छोड़े तो उसे अपनी औलाद से कोई नफ़ा नहीं होता। अगर जो इंसान इशा की नमाज जानबूझ के छोड़े उसे राहत और सुकून वाली नींद कभी नहीं मिलती। तो हम कोशिश करें कि हम सारी नमाज पढ़े और वक्त पे पढ़े और उसकी पूरी पूरी बरकत और फजीलत को हासिल करें। और